दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को होगा देशव्यापी प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग तथा किसानों के आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने, किसानों और सभी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और अजय मिश्रा की बर्खास्तगी तथा गिरफ्तार किए जाने संबंधी उनकी वैध मांगों को पूरा करने की मांग की है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 26 नवंबर से ही दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब सभी घटकों से 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध के साथ अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को तेज करने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच धरना और मार्च निकाला जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 26 अक्टूबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। यदि अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया गया तो यह आंदोलन और तेज होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, यूपी बॉर्डर से हटी किसानों की झोंपड़ी पर रास्ता नहीं खुला, अब भी परेशान है लोग। ये आपको बता दें कि यूपी गेट पर किसानों की ओर से झोंपड़ी हटाए जाने के बावजूद रास्ता अभी तक नहीं खुला। अब भी NH-24 की सर्विस रोड पूरे तरीके से बंद है और लोगों को गाजियाबाद से दिल्ली और नोएडा जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। बदले हुए रास्ते से ही दिल्ली तक पहुंचना पड़ रहा है। हर दिन दिल्ली पहुंचने के लिए लोगों को जाम जैसी मुसीबतों से सामना करना पड़ रहा है। यूपी गेट पर अभी भी 3 स्तरीय बैरिकेडिंग लगी हुई है। बैरिकेडिंग के बीच में किसानों की झोंपड़ी भी लगी है, इससे हजारों लोगों का रास्ता प्रभावित हो रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से किसानों ने अपनी झोंपड़ी खाली कर साफ संकेत दे दिया है कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका है। यूपी गेट पर लगे बैरिकेडिंग पर किसानों ने लिख दिया है कि बैरिकेडिंग के लिए सरकार जिम्मेदार है। वहीं सर्विस रोड सहित रास्ते नहीं खुलने से लोगों की परेशानियां बरकरार हैं। यूपी गेट पर सुबह किसानों की आवाजाही सामान्य रही। आंदोलनकारी किसान अपने टेंटों के आगे रास्ता को लेकर भी चर्चा करते नजर आए। बैरिकेडिंग लगाने को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रास्ता खोलने को लेकर कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारी तरफ से कोई रास्ता बंद नहीं है। उन्होंने किसानों के साथ साथ स्वयं भी बैरिकेडिंग पर लिखा है कि रास्ता खोला जाए और बैरिकेडिंग पर उन्होंने साफ लिख दिया है कि ये मोदी सरकार के बैरिकेड हैं। और बड़ी खबर, लखीमपुर कांड में मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के 3 और साथी हुए गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा में विशेष जांच कमेटी ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे स्कॉर्पियो में मौजूद थे। इनकी पहचान मोहित त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और रिंकू राणा के रूप में हुई है। तीनों मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच कमेटी के मुताबिक रिमांड में रखे गए आरोपियों ने 3 नाम और बताए हैं जो उस दिन घटना स्थल पर मौजूद थे। इनमें से मोहित त्रिवेदी, रिंकू राणा और धर्मेंद्र को शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। इनको आज ही अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस इनकी 14 दिन की रिमांड मांगेगी, यानी कि अब तक इस कांड में 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और एक बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस, बसपा समेत कई दलों के नेता बीजेपी में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बिजनौर से 4 बार विधायक रह चुके डॉक्टर इंद्रदेव सिंह समेत करीब 1.5 दर्जन कांग्रेस और बसपा समेत विभिन्न दलों के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और संगठनों के पदाधिकारी शनिवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने शनिवार को बताया कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और प्रमुख को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले कांग्रेस और बसपा को बीजेपी ने जोरदार झटका दिया है, जिनके कई नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस में हार्दिक पटेल के खिलाफ उठने लगी आवाज, नए गुजरात अध्यक्ष की मांग को लेकर राहुल गांधी से मिले कई नेता। ये आपको बता दें कि कांग्रेस में गुजरात इकाई के अध्यक्ष हार्दिक पटेल को लेकर विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। खबर है कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन नेताओं ने इच्छा जताई है कि पार्टी को अनुभवी अध्यक्ष मिले। फिलहाल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका हार्दिक पटेल
पटेल निभा रहे हैं। फरवरी में निकाय चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष अमित चावड़ा और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेश धनानी ने इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि पार्टी के कई नेता हार्दिक पटेल को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात में 2022 के अंत में विधानसभा के चुनाव आयोजित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के 23 नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, जिसको लेकर हार्दिक पटेल को अध्यक्ष न बनाया जाए। और ही बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वालों की छाती पर चलेगा बुलडोजर। यहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा और विरोधी दलों की सरकारों में फर्क साफ दिखता है। हमने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया और सपा ने सबसे पहले आतंकियों से मुकदमे हटाए थे, तब जातिवाद और माफियावाद हावी था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में मठों और मंदिरों पर हमले होते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब प्रदेश में दंगा करने का किसी में साहस नहीं है। गरीब की जमीन कब्जाने की हिम्मत किसी गुंडे और माफिया में नहीं है। ऐसा करने वालों की छाती पर सरकारी बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 से पहले की केंद्र सरकार चीन और पाकिस्तान से डरकर चुप रहती थी, आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ गया था। आज पाकिस्तान और चीन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर सकता, अगर घुसपैठ होती है तो भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को ही खत्म कर दिया है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। और ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, माफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर बनेंगे कर्मचारियों के घर। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार कर्मचारियों को सस्ते आवास का तोहफा देने जा रही है। मुख्तार अतीक और बदन सिंह बद्दू जैसे तमाम माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर योगी सरकार कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को योजना का प्रस्ताव तैयार करने का सख्त निर्देश दे दिया है। माफियाओं की ध्वस्त की गई अवैध हवेलियों पर गरीबों के आशियाने बनाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के आशियाने जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास मूलभूत आवश्यकता है और हर परिवार को अब आवास मिलना ही चाहिए। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। और बड़ी खबर, कांग्रेस की हो गई बल्ले बल्ले, पप्पू यादव अब करेंगे उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार। यहां आपको बता दें कि बिहार में 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कांग्रेस को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर कांग्रेस ने अतिरिक्त कुमार और राजेश मिश्रा को क्रमशः उम्मीदवार उतारा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी न केवल कांग्रेस का समर्थन करेगी बल्कि वो खुद भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार करेंगे। पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन देने का खुला ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर मेरी पार्टी कांग्रेस को समर्थन करेगी। मैं उनके उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता से प्रयास करूंगा, जिससे बिहार को जाहिल नाकारा विपक्ष और नफरती सत्ता पक्ष से छुटकारा मिल सके, बिहार को कांग्रेस के नेतृत्व में सक्षम विकल्प मिले। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस का खुला समर्थन करेंगे और वो खुद भी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। और ये बड़ी खबर, सुष्मिता देव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा हमारे काफिले पर हुआ हमला, भाजपा बन गई है भारतीय गुंडा पार्टी। यहां आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि आमताली में प्रचार कर रही उनकी सांसद सुष्मिता देव पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सुष्मिता देव को कुछ चोटें भी आई हैं और उनकी कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता देव को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बाद में सुष्मिता देव ने आमताली पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। हमले के तुरंत बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भाजपा शासित त्रिपुरा में गुंडा राज जारी है, विपक्षी नेताओं पर हमले का नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है, चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं पुलिस के मुताबिक सुष्मिता के जनसंपर्क की सूचना पूर्व में नहीं दी गई थी, जिस कारण वहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। कुछ शरारती तत्वों ने उनकी कार तोड़ दी, पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुष्मिता देव ने कहा कि हमारे आउटरीच कार्यक्रम के दौरान कुछ गुंडों ने हमारी कारों पर हमला किया, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा, साफ है कि भाजपा भारतीय गुंडा पार्टी बन गई है।
और ये बड़ी खबर, बिहार में टूटा कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, तो आरजेडी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार में कांग्रेस की हैसियत क्या है। ये आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद आरजेडी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि देश में कांग्रेस की हालत क्या है ये सबको पता है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने से ज्यादा नुकसान आने वाले दिनों में कांग्रेस को ही होगा। दरअसल शुक्रवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अब समाप्त हो गया है और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी प्रवक्ता तिवारी ने कहा कि भक्त चरण दास के प्रवचन से बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को मदद पहुंचेगी। राष्ट्रीय जनता दल लगातार कांग्रेस पार्टी का सम्मान करती रही है और इसके बाद भी इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उनको पहले इस बात की जानकारी ले लेनी चाहिए कि बिहार में कांग्रेस की हैसियत क्या है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है और सवाल पूछा है कि जब कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन समाप्त करने का ऐलान कर दिया है तो आखिर कैसे उपचुनाव के बाद बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में महागठबंधन टूट गया है, आरजेडी और कांग्रेस में अब गठबंधन नहीं रहा, इसका ऐलान किया जा चुका है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए और किसानों को न्याय मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।